Thank you.
भूलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। क्या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाथ शरणं देहि मां भक्तं शरणागतं। सर्वाद्य सर्वनीलय सर्वबीज सनातनं। सर्वाधार निराधार साक्षी भूत परात्पर। दुष्पारय सार संसार करणधार नमोऽस्तु ते। व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री पूज्य व्यास जी महाराज, विद्वत परिषद संस्था नीलांक सेवाधाम के प्रांगण में उपस्थित सभी ब्राह्मण वर्ग और स्वामी जी महाराज के शिष्य तथा भक्त लोग, आप सभी को संस्था सेवाधाम की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि जो आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके और इस आज के सत्संग में उपस्थित होने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात है कि मंदिर के इस प्रांगण में वृंदावन से श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा और श्री राधा कृष्ण का स्वयं जो भजन करने वाला है, गीता भागवत रामायण वेद पुराण और धर्म शास्त्रों के प्रचारक और उन्हीं के अनुसार शुद्ध भक्ति रहस्य का जो है तो प्रचार करने वाला श्री स्वामी जी महाराज जो है तो आज हम सभी के प्रांगण में जो है तो पधारे हुए हैं। स्वामी जी महाराज को जैसे आप देख रहे हैं तो इनका पार्थिव शरीर, ये शरीर जो है तो बिहार का है। स्वामी जी को 55 वर्ष हो गए हैं घर को छोड़े हुए और बिहार नगर की जो है तो बक्सर जिला के अंतर्गत स्वामी जी महाराज की जो है
तो स्थान है जहां पर ये पूर्व पहले रहते थे। बक्सर जिला वो स्थान है जहां पर विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि जो है तो तप करके और महान शक्ति को जो है तो प्राप्त किया है। उसी सिद्ध आश्रम स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताड़का जैसे दुष्ट कर्म करने वाली राक्षसियों का भी जो है तो संहार हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो है तो उसी सिद्ध आश्रम के मार्ग पर भगवती अहिल्या का भी जो है तो उद्धार हुआ है। स्वामी जी महाराज जो है तो श्री भक्ति प्रज्ञानंद केशव जी महाराज का शिष्य है और भारत वर्ष में तथा अपने गुरु जी महाराज की आज्ञा से न केवल भारत में ही परंतु सारा विश्व में धर्म की प्रचार और प्रसार हेतु जो है तो स्वामी जी महाराज बाहर निकले हुए हैं। स्वामी जी जो है तो श्री गौड़ीय वेदांत समिति का जो है तो वाइस प्रेसिडेंट तथा जनरल सेक्रेटरी भी है और केशव जी गौड़ीय मठ का जो है तो स्वामी जी अध्यक्ष हैं। अपने भक्तों तथा धर्म के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की आग्रह पर महाराज जी जो है तो विश्व भर में भक्ति का रस प्रचार और प्रसार हेतु जो है तो निकले हुए हैं। आज से तकरीबन एक महीना पहले मुझे श्रीमान इष्टदेव जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने फोन किया और बताया कि ऐसा एक महान आचार्य जो है तो वृंदावन से हलम देश में 10-11 दिन के लिए आ रहा है, अगर जो आप अपने मंदिर में एक दिन का समय जो है स्वामी जी महाराज को दे सके तो कृपा होगा। हम लोगों का विचार हुआ कि जब ऐसे संत आते हैं रस को बरसाने के लिए तो फिर हमारा तो यह सौभाग्य है कि हम अपने स्थान में अपने मंदिर के घर में स्वामी जी महाराज को जो है तो बुलावें और उनसे भक्ति रस का जो है तो रसामृत को पान करें। इन्हीं वार्तालाप के दौरान जो है तो आज स्वामी जी महाराज जो है तो मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में जो है तो पधारे हुए हैं। हालांकि ये दुख की बात है कि ऐसे संत के दर्शन और साथ साथ इनके मुख से जो व्याख्यान का विषय है वो हमारे यहाँ एक ही दिन हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि एक दिन के बजाय आप 3-4 दिन तक मंदिर ले लें और पूरा कार्यक्रम जो है तो यहाँ पर ही आयोजित करें, परंतु क्योंकि स्वामी जी महाराज के शिष्य जो है तो पहले से ही प्रोग्राम अन्यत्र बना चुके थे इसलिए जो है तो 3-4 दिन का प्रोग्राम का व्यवस्था यहाँ पर न हो पाया, परंतु फिर भी आज स्वामी जी जो है पधारे हुए हैं और क्योंकि समय ज्यादा निकल चुका है इसलिए और न बोलते हुए आइए और स्वामी जी महाराज से हम लोग अनुरोध करें कि भगवान की जिस अमृतमय भक्ति रस में डूबने के लिए तथा जिस अमृतमय धारा में बहने के लिए हम और आप सभी यहाँ आए हुए हैं, महाराज जी जो अपने अमृतमय वाणी से भगवान की जो भक्ति रस है उसका जो है तो संचार यहाँ पर करें। आइए अपने हाथ को हम जोड़ लें और प्रार्थना करें। ॐ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपःप्रणेत्रं येन तया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपम्। परम पूज्य व्यास जी, महामंत्र का उच्चारण।
गुरवे गौरचंदाय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा आज बहुत दिनों के बाद में हिंदी भाषा में मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। यहां के निवासियों के लिए शायद समझ में न आए जो डिभोटी यहां के हैं, किंतु मैं समझता हूं कि पीछे से इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर और आप लोगों को बतला दिया जाएगा, किंतु जो हिंदी जानते हैं उनके लिए भी बोलता हूं। मैं बहुत दिनों से तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फॉर सो मेनी डेज, टुडे आई वांट टू स्पीक सम हिंदी बिकॉज देयर ऑडियंस आर इन नोइंग हिंदी। इट विल बी ट्रांसलेटेड देयर आफ्टर। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं हिंदी भाषा में कुछ आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। वैसे मैं भारत की बहुत सी भाषाओं को जैसे संस्कृत, हिंदी, बंगला, उड़िया, असामी, बहुत सी भाषाओं को बोल सकता हूं। आज बड़ी खुशी है कि मैं अपनी मातृभाषा जिसको कहिए, जिसमें मैं जन्म लिया उसकी भाषा में मैं आज कुछ बोलने जा रहा हूं। हम लोगों को समझना चाहिए, तुलसी जी ने, तुलसीदास जी का नाम आप जरूर जानते होंगे यदि हिंदी जानते हैं। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी भजिए राम सबकार विषय, भजिए राम सबकाज विसारी, भले ही संसार के सब काम छूट जाएं, कोई इसमें हानि नहीं होगी यदि राम का भजन कर लिया, कृष्ण का भजन कर लिया। Oh,
gratify more for this one. More. And both together to the intention mark. Krishna gave his friend divine love. But waiting, measurementing, is to have that kind of honor for Krishna and Saranagati surrender to Krishna. Then he will wait, measure, and he will say, Chant Hari Hari Go. Hari Go. Hari Go. Always in Vrindavan, when both Gopis, Nand Baba, Yashoda and all others, just in Vrindavan, the highest frame and the process by which Gopis serve Krishna and Radha, conjugal, divine pair, is our Gopis. And it is proof from Bhava. Bhava can Srimad Bhagavatam can say it. Do you want to question and hear answers, or you like to hear the pastimes of Krishna, or anything? What you want? I heard that so many devotees have questions. So if they want to question, they can question only. Now, 15 minutes to 12, and more half an hour. So if you want to ask, you can ask, otherwise I will tell some Harikatha of Vrindavan. Harikatha. You can ask very important questions. Maharaj, I have one question. Can you explain about the difference between Shiksha and Diksha and the relationship between the two? No. No difference at all. My Gurudev was... you come late, always late, Lati. Why you come late? मुख्य व्यक्ति देते आते हैं उन्होंने उसको कम किया माय यू नो द नेम ऑफ माय डिवाइन मास्टर होली मास्टर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एंड यू नो स्वामी महाराज यू नो पूज्यपाद श्रीधर महाराज आल्सो हैव द हर्ड द नेम ऑफ श्रीधर महाराज He gave sannyas to my Gurudev. And very learned. He has also so many devotees, disciples. Don't make anything in the middle. What you should do first or you take so many times and do here and there. But there are Diksha Guru. My Guru there is Diksha Guru, Shiksha Guru Bhav. But at the same time I know
that is not inferior to my Gurudev. Hmm. He can give diksha to all, and he has given diksha. So he is diksha guru. My Gurudev is diksha guru of myself and all other disciples. And in the same time, I think that he is my, these 2, 3, 4 are my diksha guru. And their disciples think that my Gurudev is siksha guru and their guru is diksha guru. And we both think that both are very qualified persons. Both are disciples of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj and bona fide Vaishnava. Anyone cannot decide who were higher and who was. We cannot decide that Rupa Goswami is inferior and Sanatana Goswami was superior. Yeah. Or Rupa Goswami was superior and inferior. If he will think that Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale, Rupa Goswami is superior, no, you cannot tell, because he was Guru of Rupa Goswami. And he has, what he has Rupa Goswami written in Brihat Bhagavatamrita, all the books of Rupa Goswami had come out from that. So we cannot tell like this. So both Diksha Guru and Siksha Guru are both in the same standard. No? I think Rupa Goswami is my Siksha Guru and my Guru is Diksha Guru, but yet I know that Rupa Goswami is superior, more superior. But my Gurudev has taken me from the mud of this world and he has given me to Rupa Goswami Bhagavata. So Siksha Guru is not in lower level, inferior. And sometimes if Siksha Guru is inferior to my Diksha Guru, he may be. If he is not in the same quarter, if you take any of the ISKCON leaders as a Siksha Guru, myself as a Siksha Guru, but we are not in the same standard in which my Gurudev or Swamiji or Siddhartha Maharaj was considered like this. We say, that Chaitanya Mahaprabhu is my Siksha Guru. Raramanandi is my Siksha Guru. Sarvadamadar is my Siksha Guru. And you think that Gaur Govinda Maharaj was my Diksha Guru. Here, who is superior? Rupa Goswami, Sarvadamadar, Raramananda are your Gurudev. You have so much belief on Gaur Govinda Maharaj. And you will have to do archan and pushpanjali to your Gurudev. And you will have to do pranam to Gurudev your. But you must know that Sarvadamodar is more and more so much beloved to Krishna. Or to Mahaprabhu. Understand these facts. But if you make Govinda Das, your Siksha Guru. Then, your Gurudev and he is not to be in this hand, whatever. He is some, what? Lower. So, it depends on the quality and qualified, how qualified he is. Like Goswami, or like my Gurudev, are some inferior. But there are none to whom I can go and hear anything. So Govinda Prabhu is qualified among them. So I am taking my Siksha Guru, Patha. You should compare to all. And then you should go to our Siksha Guru, who is a person like my Gurudev, and he will develop my Krishna Prem. Krishna consciousness. Who will
take me to my last goal. I'm saying, none like my Gurudev. But he is disciple by me. He knows better than myself. And he is more qualified than myself. But there are some things lacking. But yet, there is not none equal to him. So I have made him Sikha Guru. In likewise, all Sikha Guru are not same. And in the same category. But if both are in the same category, then you should honor Sikha Guru and Diksha Guru as a swarup of Krishna and Mahaprabhu. It has told there. So, Hari. And he is, and for that reason he is so much conviction, strong belief that I am in the line of Guru Krishna. And from there to Bhakti Vinod Thakur Srila Prabhupada and Srila Swamiji Maharaj also. And that is why I am telling everywhere that Sripada Srila Gaur Govinda Maharaj also in the line. So I want to give you some ideas, outline of Gopi and Vrindavan. What is Vrindavan actually? It's very lean and thin and not so tall and body like that. Very lean thin. When he reached there, and a very big meeting was there, so many renowned learned person from Ramanandi Sampradaya, Ramanandi, and from Nimbark Sampradaya, but only one, this little boy was there from Gaudiya Vaishnava. They told that, who will argue? Ja, heb ik gezien. Heb ik gezien. Hare Krishna, Hare Krishna.
Thank you.
Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hare Rama.
like a fresh cloud of rain. And what I say, you'll often hear again and again. Each dreamer of the city, each consulted woman say, the dream and power of God. Very good.
Very interesting. You go to India and everyone sing this, then all will be so. Radhe Jai Jai Madhava Daite. You can go very little. But here's a song. Give the talk to anyone, other? Yes, remember all this. Thank you.
Thank you.
Oh,
No, he looks after somebody.
Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva.